इस मामले को पूरा कोरोना काल को छुपाने के लिए यह दंगा साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुकूमत जो सत्ता पे आती है वो लाशों और दंगों की राजनीति हमेशा करती चली आई है। विधायक का भतीजा पोस्ट लगाता है तो उसपे इतना बवाल होता है और बवाल करने वाले निश्चित ही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और वहाँ की सरकार के लोग हैं। ये कौन सा भीड़ तंत्र आज के देश में चल रहा है कि वो अपना फैसला खुद सुना रहा है? येदियुरप्पा के सह पर, भारतीय जनता पार्टी के सह पर ये दंगा कराया गया है, उसमें निर्दोष पुलिसकर्मी मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियान में गोली मारो सालों को अभियान से शुरुआत कर दी और उनको कोई सजा नहीं दी गई। न्यायपालिका कहाँ गई? न्यायपालिका भी है इस देश में, कानून खत्म हो गया क्या देश में? भाजपा का मतलब दंगा, भाजपा का मतलब किसी पार्टी किसी सिंबल का मतलब नहीं, भाजपा का मतलब दंगा। उन पढ़े लिखों के बीच में इस तरीके का दंगा होना ये बहुत सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड रख ली है कि हम मूर्ख बनाएंगे और शासन करेंगे। बीजेपी की नहीं है, एंटी बीजेपी सरकार है, उस सरकार को गिराने का पूरी साजिश चल रही है। इसको कौन ये भीड़ को संचालित कर रहा है, कहाँ से ये भीड़ आ रहा है? बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि आज के देश में कानून चल किस प्रकार रहा है। थोड़ा इतमान का माहौल बरकरार रखो। ऑलरेडी पर्सनली मैं खुद जो है डीसीपी तीसरी डिवीजन से पर्सनली बात करता हूँ और हमारे डीजेएलडी के सर्कल इंस्पेक्टर जो है दो ओवर का कृष्णमूर्ति साहब दो ओवर का टाइम लेकर है, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही भी कोई ना हो, इसके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नौज बिल्ला जो कमेंट कर है इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए दो ओवर का टाइम लेकर है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम को मालूम है कोविड कोरोना की सिचुएशन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और पीसफुली जो भी लीगल एक्शन हमें यहाँ पर लेने की जरूरत है इंशाल्लाह लीगल एक्शन लेंगे। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे लेकिन ये हकीकत है कि आज जो भी ऐसे वाकयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाईन की बेहुर्मती के रोनुमा हो रहे हैं उनकी वजह हम खुद हैं। मैं इतना बड़ा कोई आलिम या सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ आप जिसको मुतवज्जा होकर सुने, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ इसको बहुत गौर से थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरा सुने, इंशाल्लाह हम और आप एक बड़े गुनाह से बच सकते हैं। हर एक मुसलमान का ये ईमान है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाईन के मुतअल्लिक कोई भी नाज़ेबा लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मुस्लिम का जान माल यहाँ तक कि हर चीज का नुकसान भी हो जाए तो भी उसे ये बर्दाश्त नहीं कि उसके नबी के खिलाफ कोई भी जबान खोले। शायद बेंगलोर के वाकये से आप वाकिफ हों, फिर भी मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। बेंगलोर कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक के भांजे ने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक अपमानित यानी बेहुर्मती वाली पोस्ट फेसबुक पर डाली। पोस्ट क्या थी ये मैं नहीं जानता और न ही जानना चाहता हूँ। उसके बाद मुसलमानों ने वहाँ वाके पुलिस स्टेशन पर जमा होकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की मगर पुलिस ने नहीं ली। इस बात पर वहाँ हंगामा हो गया और फिर वहाँ के हालात बिगड़ते चले गए, बहुत तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने गोलियां भी चलाई और कुछ 3 लोगों की मौत भी वाकई हो गई। इसी दरमियान एक वीडियो भी सामने आई जिसमें मुसलमान भाइयों ने एक ह्यूमन चेन बनाकर एक मंदिर की हिफाजत की है जिसको मीडिया कोई और ही शक्ल दे रही है। इस वीडियो के मुतालिक हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको इस वाकये से मुतालिक पुलिस और मीडिया की चालबाजियां बताता हूँ। मीडिया और पुलिस का कहना है कि जब मुस्लिम रिपोर्ट लिखवाने आए तो पुलिस ने उनसे कहा कि हम आप लोगों का आपसी मामला आपस में ही खत्म करा देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जिस हादसे से जिस वाकये से पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी का दिल दुख रहा हो वो आपसी मामला कैसे हो सकता है और बिना रिपोर्ट लिखे उसको कैसे सुलझा
कहा जा सकता है। ये कुछ नहीं पुलिस के सिर्फ विधायक का रिश्तेदार होने की वजह से उसके लिए नरमी, क्योंकि हम में से हर एक जानता है और हर एक ने इस बात का तजुर्बा किया है कि जब हम पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो वो उसमें अपना फायदा तलाश करती है। मैं अपना एक वाकया बताऊं कि मेरा एक फोन चोरी हुआ तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट चोरी की नहीं लिखी बल्कि गुम होने की लिखी, क्योंकि उसमें उनको मेहनत करना पड़ रही थी ढूंढने में। फिर जब पुलिस वालों ने मुसलमान भाइयों की नहीं सुनी तो उन्होंने विधायक के मकान पर हमला किया और हंगामा किया और 100 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया और थाने को भी जलाया और इसी तरह और भी कई मुकामात पर आगजनी की। ये मीडिया की रिपोर्ट है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं हकीकत ये है, ऐसे मामलात में और खासकर जब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हो तो गुस्सा जाहिर है आता है, लेकिन मुसलमान गुस्से में इतने ज्यादा होश खो दें ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि ऐसे मौकों का किराए के गुंडे फायदा उठाते हैं और कुछ पार्टीज उनको ऐसे मुकामात पर छोड़ देती हैं, वो छोटे से नुकसान को बड़ा नुकसान कर देती हैं और मीडिया को एक काम मिल जाता है एक कम्युनिटी को बदनाम करने का जो वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही है और जिसका फायदा सीधा पॉलिटिकल पार्टियों को पहुंच रहा है। मैं फेसबुक पर दुनिया भर की कल से पोस्ट देख रहा हूं, कुछ वो लोग भी जो पॉलिटिकल मसाइल में मुसलमानों के साथ होते थे वो भी इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं कि मजहब के नाम पर तोड़फोड़, मजहब के नाम पर इतना हंगामा, ये सब पुराने ख्यालात हैं। उनसे जरा कोई पूछे कि मुसलमानों ने क्या बर्दाश्त नहीं किया, इज्जतें लूटी, सरे आम जय श्री राम का नारा लगवाते लगवाते जान से मार दिया, बाबरी मस्जिद का मामला हो या कोई और मसला हो कभी कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन जब बात हुर्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और फिर भी ये सोशल मीडिया वाले और मीडिया वाले उन्हीं का दम भर रहे हैं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे मुल्क का नुकसान हो, आम इंसानों का नुकसान हो? और इसकी मिसाल आपने वो मंदिर बचाते हुए वीडियो में देख भी ली होगी, लेकिन पुलिस को तो अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उसको तो चाहिए कि वो उनको अरेस्ट कर उनकी रिपोर्ट लिखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये सब होता क्यों है, उसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं। वो नबी जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, उस रात के खिलाफ अगर कोई जबान खोलने की हिम्मत करता है उसकी वजह भी हम ही हैं। हमने इस्लामी अहकामात को छोड़ दिया। शरीयत का हुक्म है कि किसी भी गैरुल्लाह को यानी गैर मुस्लिमों के देवताओं को भगवानों को बुरा ना कहा जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर होता क्या है, फेसबुक पर हम कोई ऐसी पोस्ट देखते हैं कि जिसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिखा गया है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम में से कुछ जाहिल लोग गैर मुस्लिम देवताओं को बुरा भला कहना शुरू करते हैं और बदले में मैंने हजारों कमेंट्स देखी हैं कि वो सहाबा के बारे में, अंबिया के बारे में बदजुबानी करना शुरू कर देते हैं, तो जिम्मेदार हम हुए। ऐसी लायानी चीजों से, ऐसी बेकार की चीजों से जब इस्लाम ने मना किया है तो घुसने की जरूरत क्या है? एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आप इतना नहीं कर सकते कि इन चीजों से दूर रहें। और इतना ही नहीं, हम में से ऐसे भी हैं कि जब कोई वीडियो या कोई फोटो देखते हैं जिसमें बेहुर्मती की गई हो तो उसको खुद अपने हाथों से दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जिसने किया वो तो करके बैठ गया और उसको फैलाने में हम बराबर के शरीक होते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज ही से अहद कर लें, खुद से एक वादा कर लें कि कहीं भी कोई भी पोस्ट देखें और वो गुस्सा दिलाने वाली हो तो वहां अखलाक से ना गिरें, जवाब दें लेकिन तमीज और तहजीब के दायरे में, ताकि अगला भी हमारे नबी से मुतालिक, अल्लाह सुबहानहू व तआला से मुतालिक अगर जबान खोले तो अदब का लिहाज रखे, बेअदबी या बेहुर्मती ना करे जैसा कि आज हो रही है। और रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफहूम है कि इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपनी औलाद, अपनी जान और माल से ज्यादा ना हो। तो हर एक अदना से अदना ईमान वाला भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से और तमाम अहदेदारान से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती की कोई भी पोस्ट करते हैं या किसी भी कम्युनिटी का दिल दुखाते हैं, ताकि मुल्क भी अमन और शांति में रहे और आपस का भाईचारा भी बना रहे। उम्मीद है मेरी कही गई इन बातों को जो मैंने इस वीडियो में कहा है हम सब
सब अमल करेंगे। अल्लाह तौफीक दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वाकये के ताल्लुक से कोई भी राय आपकी हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ या जुमला जरूर लिख दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर। दीनी व इल्मी व इस्लाही बयानात, नज़्म व नात व हम्द वगैरह के लिए हमारा चैनल द ह्यूमैनिटी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।